हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 to 14 स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 6 बताया था। मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ठीक है ना, और टेन इनवर्स, इसका रेंज जो होगा वो -π/2 से +π/2 तक मैंने बताया था, ठीक है ना। कहने का मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 मिलेगा और ये लेस देन इक्वल टू +π/2 मिलेगा, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होगा कॉसेक इनवर्स में, ठीक है ना। तो कॉसेक इनवर्स में रिस्ट्रिक्शन क्या होगा कि कॉसेक इनवर्स की जो रेंज होगी वो -π/2 से तो +π/2 होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जीरो वैल्यू नहीं होगा, ओके। जीरो डिग्री वैल्यू हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया था कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि जीरो टू क्या होता है यहाँ पे, जीरो टू पाई, ठीक है, जीरो टू पाई के बीच में होगा। कहने का मतलब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू पाई। और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन मैंने बताया था, सेक इनवर्स की जो वैल्यू होगी याद रखना जीरो टू पाई होगा, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू π/2 जो है नहीं होगा, ओके। π/2 वैल्यू को छोड़ के हम लोग काम करेंगे। तो इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा मैंने फॉर्मूला भी बताया था, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखो y इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 7 में sec इनवर्स y, मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल वैल्यू देगा तो 2/√3। अब देखो sec इनवर्स 2/√3 किसका वैल्यू होता है, तो देखो sec cos का उल्टा होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये sec 30 हो जाएगा 2/√3। तो आप इसको लिख सकते हो sec 30 को हम लोग π/6 लिखेंगे, ओके। तो देखो ये डायरेक्ट हो जाएगा π/6, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू यही होगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज π/6। क्यों होगा π/6? क्योंकि sec इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच लाई करता है। और देखो sec इनवर्स में π/2 तो आया नहीं है, अगर π/2 आता तो प्रॉब्लम होता, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा π/6। 8 नंबर देखो, y इज इक्वल टू है cot इनवर्स √3। देखो cot बच्चों 10 का उल्टा होता है, तो 10 में 1/√3 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री का, तो cot 30√3 हो जाएगा। तो cot इनवर्स यहाँ पे cot 30, तो 30 हो जाएगा π/6, ओके। तो ये आंसर फिर से क्या होगा π/6। अब देखो cot का भी वैल्यू 0 से पाई के बीच होता है, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज π/6, ठीक है। cot इनवर्स cot थीटा थीटा हो जाता है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 8, 9 नंबर 9 में देखो बच्चों, y बराबर दिया है cos इनवर्स -1/√2। मैंने आपको बताया था cos इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा हो जाएगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 होगा। तो आप इसको पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, cos π/4। तो ये पाई माइनस देखो बच्चों π/4 होगा। अब पाई में से π/4 जाएगा तो क्या बचेगा 3π/4। अब 3π/4 देखो cos इनवर्स है, तो 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है। 3π/4 क्या है देखो, 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। और ध्यान देने का, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज 3π/4, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 9 के बाद 10। रेस कर देगा मैं, देखो बच्चों 10 नंबर में कैसे बनाइएगा, y इज इक्वल टू दिया है cosec इनवर्स -√2। अब देखो cosec इनवर्स -√2 है, तो माइनस cosec इनवर्स हो जाएगा सबसे पहले √2, तो माइनस cosec इनवर्स, अब √2 cosec साइन का उल्टा होता है, तो साइन 45/√2 होता है, तो यहाँ पे भी cosec 45, तो cosec π/4 लिख सकते हो बराबर -π/4। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है,
बराबर माइनस पाई अपॉन फोर लिख सकते हो। 11 नंबर देखो, 11 में y इज इक्वल टू ढेर सारा टर्म एक साथ दे दिया है, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब देखो टेन इनवर्स 1 है तो टेन इनवर्स 1 को आप क्या लिखोगे, टेन पाई बाय 4, तो 1 है ना तो टेन पाई बाय 4, और कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है तो इसको पहले लिखना पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, इस तरीके से बनाएंगे। तो देखो ये तो पाई बाय 4 हो जाएगा, इनवर्स टेन थीटा थीटा, यहाँ पे देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 किसका वैल्यू होता है तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है, नहीं कॉस 30 रूट 3/2 होता है, सॉरी कॉस 60 का मान होता है, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा पाई बाय 3, ओके। और माइनस कितना हो जाएगा, साइन वर्स 1/2, 1/2 होता है बच्चों साइन पाई बाय 6, साइन 30 डिग्री का मान। अब देखिए पाई अपॉन 4 अब प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा तो पाई बाय 3, ओके, और माइनस साइन वर्स पाई बाय 6, तो ये पाई बाय 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई में से पाई बाय 3 घटा दो तो 2 पाई बाय 3, और यहाँ देखो माइनस पाई बाय 6, ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया मैंने, तो एलसीएम देखो 12 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, तो 3 पाई, 3 4 जा तो 4 2 जा 8 पाई, 6 2 जा तो 2 पाई, तो 8 के लिए 11 में 2 गया कितना बचा, 9 पाई बाय 12, 3 3 जा 3 4 जा तो 3 पाई बाय 4। अब चूंकि 3 पाई बाय 4 जो है लेस देन पाई है, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप यहाँ पे इक्वल ना भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू बराबर हो जाएगा बच्चों 3 पाई बाय 4, ओके, चलिए नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या देखो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखो y इज इक्वल टू दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, तो देखो cos इनवर्स हो जाएगा 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos 30 रूट 3/2 तो cos 60 हो जाएगा ना, तो पाई बाय 3 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होता है, तो sin 30 हो जाएगा तो पाई बाय 6। तो देखो cos इनवर्स cos थीटा थीटा तो पाई बाय 3, 2 sin इनवर्स sin थीटा थीटा तो पाई बाय 6, तो 2 3 जा 6, देखिए पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3 तो 2 पाई अपॉन 3, ये आंसर हो जाएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। इसके बाद देखो 13 में क्या कर रहा है, sin इनवर्स x बराबर y, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है कि y इसका प्रिंसिपल वैल्यू y क्या होगा। देखो तो इसमें तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है कि sin इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में होता है, और चूंकि क्लोज ब्रैकेट है इसका मतलब क्या हो गया कि y जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 होगा, लेस देन इक्वल टू प्लस पाई बाय 2 होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए y इज इक्वल टू दिया है टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, तो देखो टेन इनवर्स रूट 3, रूट 3 किसको लिखोगे, टेन पाई बाय 3 माइनस सेक इनवर्स, देखो माइनस सेक इनवर्स थीटा है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ओके। और सेक में मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन बताया था, याद रखना पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू में, तो टेन इनवर्स टेन थीटा तो ये तो पाई बाय 3 हो जाएगा, और माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2, 2 किसका वैल्यू होता है कॉस में, कॉस में तो नहीं, कॉस में 1/2 ना, तो कॉस 60, तो 60 का उल्टा कर दो तो देखो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस सेक कितना हो जाएगा 60, तो 60 होगा तो सेक सेक इनवर्स सेक पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 माइनस देखो सेक 60 हो जाएगा, कॉस 60 होता है ना 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2,
ये देखो पाई में से पाई बाय थ्री गया तो 2π/3, एलसीएम 3 हो गया तो पाई माइनस 2π तो माइनस पाई बाय थ्री। देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय थ्री। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।